नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टारगेट तालुक में। गुड इवनिंग, एक बार पुनः मैं गौरव रंजन आपके सामने उपस्थित हूँ भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम श्रृंखला आगे बढ़ाते जा रहे हैं और प्रश्नों का स्टैंडर्ड भी बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोगों की डिमांड थी सर जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाइएगा। तो मुझे श्रृंखला का नाम तो नहीं मालूम कि कौन सा लेक्चर है मेरा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं प्रत्येक कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक सीरीज में आपके जो प्रश्न हैं उनका स्टैंडर्ड में बढ़ाता जाऊँ। तो स्वागत और अभिनंदन है पुनः एक बार आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तालुक में। स्टार्ट करते हैं हम आज का इस सेशन और आपका इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्द आने वाला है। उम्मीद है मुझे कि आप लोग सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? एक नदी का नाम है शरावती, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है माही और एक का नाम है साबरमती। आपको ये बताना है कि इन नदियों में कौन सी एक नदी है जो दो पर्वतों के मध्य बहती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ए तो नहीं होना चाहिए, हाँ ए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बी जो लोग ए बोल रहे हैं उनका गलत है, सही क्या होगा? बी। तो पहला, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा। किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में बहती है आपकी कौन सी नदी? नर्मदा, याद रखना है। चलिए दूसरी नदी की ओर, सॉरी दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? एक साइड आपको झील दी गई है, दूसरी साइड आपको राज्य का नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। लोनार झील महाराष्ट्र, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, अष्टमुड़ी तमिलनाडु। तो आपको इसमें से मुझे गलत कौन है, यानी गलत का मतलब है कि कौन सा सुमेल नहीं है, मुझे आपको ये बताना है। हाँ बिल्कुल सही, तो इसका आंसर डी, अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी जो झील है वह तमिलनाडु में नहीं बल्कि अष्टमुड़ी झील जो है वो आपकी केरल में। केरल में दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक का नाम है बेवनाद झील और एक का नाम है अष्टमुड़ी झील। तो अष्टमुड़ी झील तमिलनाडु, ये सही नहीं है, यानी ये मिलान सही नहीं है। और क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलान सही नहीं है। तो अष्टमुड़ी का केरल होना चाहिए था लेकिन यहां तमिलनाडु है, तो ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर तीन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती? कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल ये नदी कहते हैं? चार नदियां आपके सामने, यमुना, पेरियार, दामोदर और महानदी। तो आपको इनमें से सही नदी का नाम बताना है, कौन सी नदी जैविक मरुस्थलीय नदी कहलाती है। आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है और आपको मुझे जल्दी से जल्दी आंसर बताना है, बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जिसे जैविक मरुस्थलीय नदी कहते हैं क्योंकि प्रदूषण ज्यादा है। दामोदर कहां बहती है? झारखंड के क्षेत्र में बहती है और झारखंड के क्षेत्र में कच्चे माल के कारण वहां पर उद्योगों का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? दामोदर। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दोड़ाबेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। तो पूछना है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सही आंसर अनाईमुड़ी। क्लास नोट्स का मैंने पढ़ाया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोड़ाबेटा। तो दोड़ाबेटा दूसरे नंबर की और अनाईमुड़ी पहले नंबर की है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी। तो पहले का सही आंसर, चौथे का सही आंसर हो जाएगा ए, अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों।
तो इनमें से कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है? आपको जल्दी से मुझे आंसर बताना है। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? हाँ बिल्कुल, तो सरसों। बिल्कुल सही है, सरसों रबी की फसल होती है, जो अक्टूबर नवंबर के समय मटर चने गेहूं के समय जब ये फसलें बोई जाती है, तो ये रबी का समय होता है अक्टूबर नवंबर का। तो रबी सरसों जो है वो रबी की फसल है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र, यानी कहने का मतलब है कि जो आपके सामने 4 राज्यों के नाम लिखे हैं, इन 4 राज्यों में वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा तंबाकू का क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जहां पे तंबाकू की कृषि की जाती है? आंसर सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो भारत के निम्न राज्यों में कौन किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक ना, छठे का सी। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला है, ओपन बंदरगाह है, ओपन सीपोर्ट है। हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापत्तनम? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापत्तनम, उनमें से कौन सा बंदरगाह है जो खुला सागरीय बंदरगाह का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात, सही आंसर सी होगा, चेन्नई। चेन्नई एक खुला बंदरगाह है, चेन्नई एक खुला बंदरगाह है, ओपन सी पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइड बांधों के नाम है, एक साइड कौन सी नदी पर कौन सा बांध है ये लिखा है। पहले बांध का नाम है नांगल बांध, भांगड़ा नांगल बांध। ऑप्शन इसका सही है या नहीं आपको बताना है। सतलज नदी दे रहा है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी और हीराकुंड महानदी। तो आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी से, इसका सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल सही, कौन सा? नागार्जुन। नागार्जुन बांध जो है वो गोदावरी नदी पर नहीं है, बल्कि नागार्जुन बांध जो आपका है वो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो निम्न से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? नागार्जुन। यह गोदावरी नदी पर नहीं, बल्कि यह किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान के वन सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाए जाते हैं, ऐसा ही पूछ लेगा। तो बताइएगा सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं कहां? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक, कहां पर सर्वाधिक मात्रा में सागवान वन पाए जाते हैं? बिल्कुल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में सागवान के वन पाए जाते हैं। तो सागवान के वनों के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है आपका? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के समस्थानिक होते हैं। हमने आपको पढ़ाया है कि जहां पर प्राकृतिक तेल होगा वहां पर प्राकृतिक तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी होगी। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तट, गुजरात तट, बॉम्बे हाई या तमिलनाडु तट। आपको इसमें से सही बताना है कि कहां पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन अधिक होगा। हाँ तो कहां पर? आंध्र प्रदेश तट। आंध्र प्रदेश तट को रावा तट के नाम से जानते हैं, रावा जो वहां का क्षेत्र है वहां से सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। तो सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश तट से। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक ना, हाँ तो ज्वारीय ऊर्जा मतलब ज्वार भाटा जो आते हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसको हम ज्वारीय ऊर्जा बोल देते हैं। बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? तो आपका इसको मुझे सही आंसर बताना है।
ज्वारीय ऊर्जा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? खंबात की खाड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा खंबात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा का बृहत्तम उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। बहुत अधिक मात्रा में यहां पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। 12 है क्वेश्चन नंबर। एक साइड सूची है और दूसरी साइड सूची दो है। एक साइड लिखा है खनन क्षेत्र, एक साइड लिखा है खनन क्षेत्र और दूसरी साइड क्या लिखा है? अब दिख रहा है ना बड़ा सा, एक साइड लिखा है खनन क्षेत्र और दूसरी साइड लिख रहा है खनिज। कौन सा खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो आपको इसका मुझे सही आंसर बताना है। बताइएगा जल्दी से, आंसर कीजिएगा। लीजिए मैं साइड में हो गया, आंसर कीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिएगा गुरु महशानी तलचर, ये तो मैंने शुक्रवार को, तलचर किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए जाना जाता है। और जावर, जावर जावर जो है वो चांदी के लिए, चांदी कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाई जाती, चांदी सीसा और जस्ता के पास साथ पाई जाती। तो डी का हो गया पहला और बी का हो गया चौथा, ठीक ना? तो डी का कौन सा? डी का हो गया आपका पहला और बी का हो गया चौथा। गुरु महसानी लोहा इसके के लिए जाना जाता है, लोहा पाया जाता है। और जादू घोड़ा जो आपका है वो किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम। तो पहले का हो गया तीसरा, बी का हो गया चौथा, जादू घोड़ा वाले का हो गया दूसरा और जावर का हो गया पहला। तो 3421, 3421 देखिए यही है, पहले ही वाला सही है, 3421। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3421। गुरु महसानी आपका किसके लिए जाना जाता है? तो गुरु महसानी लोहा इसके लिए, तलचर कोयला के लिए, जादू घोड़ा यूरेनियम के लिए और जावर, जावर किसके लिए जाना जाता है? सीसा के लिए, ठीक ना? चलिए हो गया इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य का नाम पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो आपको इसका सही आंसर मुझे बताना है कि कहां पर क्या होता है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो मैग्नीज के उत्पादन और भंडार में जो राज्य सबसे आगे है उस राज्य का नाम है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य मैग्नीज और के भंडार और मैग्नीज के उत्पादन दोनों में क्या है? पहले नंबर पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, ये अभी मैंने पढ़ा है, पब्लिक क्लास अगर देख रहे होंगे तो ये एशिया महाद्वीप में मैंने अभी दो दिन पहले शुक्रवार को पढ़ाया है आपको, ठीक ना? अरल सागर, अरल सागर के किनारे स्थित है। अरल सागर कहां पर है? तो अरल सागर एक ऐसा सागर है जो दो देशों की बाउंड्री पर है। आपको दो देशों का युग्म बताना है कि कौन से दो देशों के सीमा पर है, युग्म बताना है कौन सा युग्म सही है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिएगा एक ट्रिक है, ट्रिक से याद रख लीजिएगा, अरल सागर की एक ट्रिक है। और अरल सागर के देशों को किन दो देशों की सीमा पर है याद रखने की ट्रिक है, काऊ, का से कजाकिस्तान और ऊ से उज्बेकिस्तान। काऊ एक ट्रिक है जिससे आपको यह याद हो जाएगा कि अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर है, तो कजाकिस्तान और एक हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है आपका अरल सागर, ठीक ना? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? लवणता मतलब जल में पाए जाने वाले लवणों की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कहां पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर, कहां पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है आपको यह बताना है। तो विश्व की तीन सर्वाधिक लवणता वाली झीलें याद रख लीजिएगा, मैं नाम लिख रहा हूं। विश्व की तीन सर्वाधिक लवणता वाली झीलें, पहले नंबर पर है बान झील, कहां पर है? तुर्की में है सर्वाधिक लवणता वाली। दूसरा मृत सागर,
जॉर्डन देश में है। तीसरा ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है। ग्रेट साल्ट लेक, तो बॉन झील तुर्की हो गया, अमृत सागर जॉर्डन देश हो गया, और ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है, तो ग्रेट साल्ट के लिए आपका सही हो जाएगा यूएसए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, अमृत सागर। इन सब में जो सही आंसर होगा वो मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है ये, कौन सी, मृत सागर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। घाटी युग का जो निर्माण हुआ है वह घाटी का निर्माण किस प्रकार हुआ, अपतटन उदाहरण है घाटी जो है वो किस घाटी का उदाहरण है, अपतटनीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिप्ट घाटी का, भ्रंश घाटी का। रिप्ट को भ्रंश बोलते हैं, तो यही आंसर इसका सही है, भ्रंश घाटी का उदाहरण। भ्रंश का मतलब होता है कि धरातल है, धरातल का बीच वाला भाग यथा स्थिति रहे और आसपास वाले भाग नीचे खिसक जाए। जो भाग नीचे खिसक जाता है उसी को हम घाटी बोल देते हैं, और ऐसी घाटी जो भ्रंश के सहारे होती है जिसका निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा होता है, नीचे खिसकने की प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसको हम रिप्ट घाटी या कौन सी घाटी बोलते हैं, रिप्ट घाटी या भ्रंश घाटी बोलते हैं। रिप्ट घाटी या भ्रंश भारत में भी है, नर्मदा और ताप्ती नदी उन्हीं भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। तो अब मृतक घाटी किस घाटी का उदाहरण है, किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिप्ट वैली, हिंदी में भ्रंश घाटी। डेथ वैली यूएसए में है, कैलिफोर्निया राज्य में, दक्षिण कैलिफोर्निया में। हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं और कराया हूं आपको। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। अच्छा बाबू, शीतोष्ण कहां होता है, शीतोष्ण यानी कर्क और मकर रेखा के ऊपर का क्षेत्र, यानी अगर कर्क 23.5 से 66 दोनों गोलार्ध में, 23.5 से 66 उत्तर में भी और 23.5 से 66 दक्षिण में भी, तो पूछ रहा है कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण घास का नहीं है। पंपास अर्जेंटीना में है, मकर रेखा के नीचे, तो है ये तो सही है। बेल्ड ए कहां पर, बेल्ड कहां पर है, तो बेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में है और साउथ अफ्रीका मकर रेखा के नीचे, ये भी सही है। तो शीतोष्ण घास का मैदान ये भी है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के नीचे, ये भी है, तो गलत क्या हो जाएगा, सेल्वा से विषुवत रेखा के समीप है और अमेजन नदी के क्षेत्र में पाए जाने वाले घने जंगलों को हम किस नाम से जानते हैं, सेल्वास। तो जो सेल्वास है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि जो अन्य तीन है वो शीतोष्णकटिबंधीय शीतोष्ण घास के मैदान है। तो 17 का सही कौन सा हो जाएगा, तो 17 का सही हो जाएगा डी, कौन सा, डी। 18, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। पूछ रहा है कि प्रवाल व्यंजन, प्रवाल व्यंजन का मतलब होता है जब प्रवाल होते हैं, प्रवाल जब मरने लगते हैं तो उसी को व्यंजन कहते हैं। तो प्रवाल व्यंजन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है, सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बाबू, कठिन है क्वेश्चन, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने के कारण जो सागर में कोरल नाम के जो समुद्री जीव पाए जाते हैं, जो प्रवाल नाम के समुद्री जीव पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, और जब मरने लगते हैं तो उसी घटना को हम नाम दे देते हैं प्रवाल व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा देश हीरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूछ रहा है कहां पर हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी बोत्सवाना। कहां पर हीरे का सर्वाधिक व्यापार, सॉरी सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो हीरे का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इन चार देशों में, तो उसका सही आंसर है रूस। रूस में सर्वाधिक मात्रा में हीरे का उत्पादन किया जाता है इन चार देशों में। और अगर इन चार देशों के इत्र देखें तो कांगो गणराज्य।
अफ्रीका का कांगो गणराज्य, जहां पे कांगो जायर और कसाई नदियों का क्षेत्र है, कांगो जायर और कसाई नदियां बहती है, वहां पर हीरा के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। ठीक ना। भारत में कहां है? पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश का पन्ना, पन्ना सतना रीवा, वहां पर हीरा और पन्ने की खाने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित? प्रमाणित मतलब है कि खोज की जा चुकी है, यह प्रमाणित कर दिया गया है कि निश्चित तौर पर यहां पर क्या पाया जाएगा, निश्चित तौर पर यहां पर खनिज तेल पाया जाएगा। तो पूछ रहा है कि इन चार राज्यों में कहां पर सबसे ज्यादा खनिज तेल के भंडार पाए जाने की घोषणा की गई या पाए जा रहे हैं, तो आपको बताना है। वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ईरान में या इराक में। ठीक ना। तो आपको इसका सही आंसर बताना मुझे, कहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल के प्रमाणित भंडार है। तो सही आंसर वेनेजुएला, सही आंसर वेनेजुएला। वेनेजुएला देश में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो 20 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम। अच्छा, आरोही मतलब, आरोही मतलब घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में? तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक ना, यही होता ना भाई, बढ़ना, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो पांच देश, चार देश हैं, पूछ रहा है आरोही क्रम कौन सा है। आरोही का मतलब क्या है? आरोही का मतलब पहले इन चार में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं देखिएगा। आप जानते हैं कि भारत देश, भारत एक ऑप्शन है, भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो कौन सा है? सातवां है। भारत से बड़ा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया छठवां, ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा आपका ब्राजील है। ब्राजील से बड़ा कौन है? चौथे नंबर का यूएसए है। यूएसए से बड़ा कौन सा है? तो यूएसए से बड़ा आपका कौन है? यूएसए से बड़ा आपका चीन है। चीन से बड़ा कौन सा है? कनाडा। और कनाडा से बड़ा रूस। तो रूस पहले स्थान पर है। तो हमने यहां पता चलाया कि इंडिया सातवें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर है, और कौन सा? ब्राजील पांचवें नंबर पर है। अब एक और कौन सा देश? अर्जेंटीना। तो देखा जाए तो अर्जेंटीना आठवें नंबर पर है। अर्जेंटीना भारत से छोटा है। अगर मान लीजिएगा पता भी नहीं है तब भी हम इन तीन से पूछ रहा है आरोही घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ भारत छोटा है सबसे, तो सबसे छोटा भारत हो जाएगा, तो भारत सबसे छोटा। भारत से बड़ा कौन सा है? तो भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है? ब्राजील। तो एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें भारत भारत हो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ब्राजील हो। तो एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें भारत हो, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील हो। ए मिल गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, और भारत से छोटा अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए सी। सी सबसे छोटा, यानी अर्जेंटीना छोटा है सबसे, उससे बड़ा भारत, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, और उससे बड़ा ब्राजील। ठीक ना। तो ब्राजील का स्थान पांचवा है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21-22, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, एक ऐसे मरुस्थल का नाम बताना है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हो। सहारा, गोबी, थार या कालाहारी? सहारा, गोबी, थार या कालाहारी? सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको मरुस्थल का नाम बताना है। तो सही आंसर भारतीय मरुस्थल, यानी थार मरुस्थल। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका थार। डायमंड हार्बर अवस्थित है, डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरे शब्दों में, कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, हांगकांग में या कोलकाता? कोलकाता। डायमंड हार्बर कोलकाता में है। डायमंड हार्बर क्या है? तो डायमंड हार्बर जो है वो कोलकाता में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। 23 का सही आंसर कोलकाता। अगला कह रहा है बेमनाद झील है, बेमनाद झील भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में, कहां पर वेमेनाद झील है? तो आपसे पूछ रहा है। अभी जब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा था, जब मैंने बताया था वेमेनाद झील के बारे में चर्चा किया था, तो वेमेनाद जो झील है आपकी वो
वो कहाँ पर है? वेमनाथ झील आपकी केरल में है। वेमनाथ झील कहाँ पर? केरल। केरल में दो झीलें हैं, एक का नाम है अष्टमुड़ी, और अष्टमुड़ी के बाद एक कौन सी है? तो एक है आपकी पुली, अष्टमुड़ी और वेमनाथ। आज का लास्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तनम, कोचीन भारत का प्राकृतिक पत्तनम, जवाहरलाल नेहरू पत्तनम भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तनम, कांडला ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है ना। तो आपको इसमें सही बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन, यही पहला गलत है। भारत का जो सबसे गहरा पत्तन है उसका नाम है वर्तमान समय पारादुई, तो पारादुई भारत का सबसे गहरा पत्तनम है, तो ये गलत हो गया। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू जिसको हम भारत का नहावा शेवा बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं, भारत का सबसे आधुनिक सबसे मशीनीकृत बंदरगाह है। और कांडला ये भी एक प्राकृतिक या ज्वारी बंदरगाह है। तो 25 का जो सही है वो हो जाएगा ए, यानी चेन्नई का सुमेल सही नहीं है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन नहीं है। वर्तमान समय में जो भारत का सबसे गहरा पत्तन है उसका नाम है आपका पारादुई, और पारादुईप आपका कहां है? तो पारादुईप आपका उड़ीसा में है। चलिए ये देखिएगा, टारगेट आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोचिंग का ये आपके सामने कुछ नंबर हैं, 8 नंबर हैं। हमारे यहाँ जो भी बैच चल रहे हैं उन बैच से संबंधित आप किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी जानकारी के लिए आप कौन कौन से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है, तो ये हमारे कोचिंग के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कोचिंग की ओर से मैगजीन निकाली गई आप लोगों के लिए, वीकली मैगजीन है, वीकली मैगजीन है 7 डेज की मैगजीन है। इस मैगजीन को इस वीडियो के नीचे पीडीएफ में लिंक दिया गया है इसका, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर सामान्य अध्ययन विशेषांक भी है, भारतीय राजव्यवस्था का 6 अंक है, यानी आज तक हम लोग 6 मैगजीन प्रकाशित कर चुके हैं। ये आपकी हाँ, तो ये 6 या 7 मैगजीन हो चुकी हैं। तो ये हमारी क्या है, वीकली है, मंथली नहीं है, वीकली है, ठीक ना। तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है और ये हमने मैगजीन के बारे में बता दिया आपको, तो जाइए और जल्दी से इन नंबरों पे जानकारी ले लीजिएगा जिस बैच से भी आप जुड़ना चाहते हैं। तो आज यहीं रख लीजिएगा, इसके आगे कल मिलते हैं, तो कल इसके आगे डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।